गुड मॉर्निंग टू एवरी वन। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मेरे प्यारे साथियों, आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वही अपने 1000 क्वेश्चन की जो है मास्टर सीरीज, और इस मास्टर सीरीज का क्लास नंबर है आज का 12। ओके, और मेरा नाम है कौशल कुमार साराशर। ओके, तो 11 क्लासेज जो है ऑलरेडी इससे पहले डन हमारी यहाँ पर हो चुकी हैं, और ओके तो आप लोग बेहतरीन कंसेप्ट के लिए हमारे इन क्लासेस को विजिट कर सकते हो। ओके, एंड यू कैन ज्वाइन दिस सेशन डेली एट 9 AM। ओके, तो 9 AM पर आप इस सेशन को डेली यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो मेरे साथ में। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। तो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर एट ए पॉइंट आउटसाइड द वायर डिपेंड्स। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है लाइक दिस वन, और इसमें कोई भी करंट यहाँ पर फ्लो कर रही है, इससे थीटा एंगल पर और आर डिस्टेंस पर कोई भी एक पॉइंट है, दिस पॉइंट इज पी, तो इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4π, एंड दिस इज आई डी एल साइन थीटा अपॉन माई आर स्क्वायर। ओके, सो दिस इज बी पी, म्यू नॉट अपॉन 4π आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, राइट। मेरे प्यारे साथी, आपसे बोला जा रहा है कि ये किस चीज पर डिपेंड करता है, ठीक है ना? तो इसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती पर डिपेंड करता है, या फिर इसकी दूरी के समानुपाती यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर कम दूरी पर व्युत्क्रमानुपाती रूप से करता है, और अधिक दूरी पर समानुपाती रूप से। लेकिन यार, आप यहाँ पर एक चीज देख पा रहे हो कि ये जो अभी हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है ना, वो डिस्टेंस पर आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को क्या करता है सर जी, फॉलो कर रहा है। दूसरी बात यह कि अगर आपसे ये पूछा जाता कि ये एंगल पर डिपेंड करता है, तो भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंगल पर डिपेंड करता है विद द साइन, ठीक है ना? एंगल जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। और मैक्सिमम कब होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि बी, अगर हम ये देखना चाहें कि बी मैक्सिमम किस एंगल पर होगा, तो भाई कब होगा, जब थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि थीटा की वैल्यू साइन में 90 की जो वैल्यू होती है ना, वो हमारी मैक्सिमम होती है। तो आपका जो सही जवाब है ना भाई मेरे, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहले वाला, इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस फ्रॉम इट, ठीक है। चलिए जी, दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, व्हेन अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड, अ स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड बाई 10 cm, देन फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन इट इज कंप्रेस्ड बाई 20 cm। तो आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब कोई भी 50 न्यूटन का बल लगाया जाता है, है ना, 50 न्यूटन का अगर हम बल लगाएं, तो स्प्रिंग जो है ना वो 10 cm संकुचित हो जाती है, यानी कंप्रेस हो जाती है 50 न्यूटन लगाने पे। तो स्प्रिंग की आपको स्थिति ऊर्जा बतानी है, उस कंडीशन में आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, अगर आपने उसको 20 cm कंप्रेस कर दिया है। तो जैसे मान लो ये क्या है, ये एक स्प्रिंग है, ठीक है, ये एक स्प्रिंग है, यहां पर आपने क्या काम किया, ठीक है ना, ये स्प्रिंग है, ठीक है ना, ये एक स्प्रिंग है, यहां पर आपने फोर्स लगाया 50 न्यूटन का, आप फोर्स लगा रहे हो, तो इसमें जो कंप्रेशन हमारा जो यहां पर हो रहा है दैट इज 10 cm, ठीक है। तो देखो, फोर्स लगाया, 10 cm कंप्रेशन हुआ, तो यहां पर के क्या है हमारा, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट। लेकिन फिर से ये कह रहा है कि अगर इसी स्प्रिंग में, अगर इसी स्प्रिंग में ये जो x डैश है, अगर ये हमारा 20 cm हो जाए, तो इसमें स्टोर्ड एनर्जी जो है वो कितनी हो जाएगी। सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, आपने यहाँ पर फोर्स लगाया और आपको कंप्रेशन दे दिया, न्यूटन में फोर्स है, ये आपका सेंटीमीटर में, आंसर्स जो है वो आपके जूल में आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ पर जो x है वो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं x को मीटर में कन्वर्ट करूंगा मेरे भाई, तो ये कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। सो दिस x इज इक्वल्स टू 10/100, सो दिस इज 0.1 m, ठीक है। f इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होता है भाई हमारा, f इज इक्वल्स टू हमारा फॉर्मूला होता है kx। तो यहाँ से मैं सबसे पहले स्प्रिंग कॉन्स्टेंट k की वैल्यू निकालूंगा, दिस इज fy(x). f की वैल्यू आपको 50 दे रखी है यहाँ पर, x की वैल्यू आपको दे रखी है 0.1, पॉइंट हटा के मैंने ऊपर 0 बढ़ा दिया, ठीक है भाई, क्लियरली समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जो k की वैल्यू है
वो हमारी आ गई यहाँ पर 500 न्यूटन पर मीटर, 500 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। लेकिन अब हमें चाहिए स्टोर्ड एनर्जी, तो ये कितनी होती है, दिस इज हाफ ऑफ के ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हाफ के की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, दिस इज 500 एंड एक्स इज व्हाट, दिस इज 20, क्योंकि हमसे ऑलरेडी बोल रहा है कि अगर अब हम इसको 20 कंप्रेस करते हैं तब इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी, ठीक है। देखो इससे ये खत्म हो गया, दो से खत्म हो गया 5 टाइम्स, टू से ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पर, दिस इज 250। आपका आंसर कितना आ जाएगा बताओ भाई एक बार, आपका आंसर आ जाएगा दिस इज 250 मल्टीप्लाई बाय और 5 का स्क्वायर 25 एंड दिस वन योर आंसर विल बी 10 जूल। तो ये चीज आपको ध्यान से समझनी है कि किस तरीके से हम लोग कर पा रहे हैं, है ना। ऑप्शन वन इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। चलो नंबर 3, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इन मीटर रिक्वायर्ड टू हियर एन इको। ये सबसे पहली बात यह है कि अगर मैं मिनिमम डिस्टेंस की बात करूं, जिस डिस्टेंस पर इको होता है, तो वहां पर आपका मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कितना आएगा बताओ भाई। देखो सबसे पहली बात है आपको ये समझना है कि इको क्या होता है, यानी कि जो आपका प्रतिध्वनि जो होता है वो आपका क्या होता है। तो भाई इको क्या होता है, एनीवन टेल मी, इको का मतलब होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, दिस इज द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ओके। सो मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड मीन्स दैट कि एक से ज्यादा टाइम्स जो साउंड वेव है वो हमारी रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि मान लो ये कोई कुआं है, ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई एक व्यक्ति है और वो आवाज लगाता है इस कुएं में, वो व्यक्ति आवाज लगाता है, ठीक है। जब वो आवाज लगाएगा तो ऐसे करके वेव नीचे जाएगी और टकरा के ऊपर आएगी, ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग इको, यानी कि पहले साउंड नीचे गया, उसने कोई भी आवाज लगाई और फिर वो बाहर की तरफ आ रही है। अब ये जो डिस्टेंस है, ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हो, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, डी। तो इको टाइम भी हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, इको टाइम कितना हो जाएगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। अब यहाँ पर दूरी क्या होगी, एक तो जाने वाली और एक आने, इको क्या है, जाएगा और आएगा, तो जाने आने में क्या होगा, टू टाइम्स ऑफ डी। सो दिस इज द इको टाइम। लेकिन यहाँ पर सवाल मेरा ये क्रिएट होता है कि ये जो बी है ये हमारा क्या है, सो दिस इज द स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, ओके। तो अगर हम यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड हमारा क्या होता है, देखो स्पीड ऑफ साउंड भी हमारा क्या करता है, वेरी करता है, डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला देखूँ तो क्या हो जाएगा, दिस वी इज इक्वल्स टू अंडर रूट में दिस इज गामा आर टी अपॉन एम, ओके। या फिर हम इस पर ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज गामा, दिस इज के टी अपॉन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू गामा भी होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर भी होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m भी होता है, कैपिटल M, दिस इज नॉट स्मॉल m, दिस इज कैपिटल M, ठीक है ना, दिस इज कैपिटल M, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, तो इको क्या होता है, तो मिनिमम डिस्टेंस तो भाई उसकी 17 होती है, ये तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, बट ये जो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ये आपसे पूछे जाते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो किस किस चीज पे आपकी डिपेंड करती है, ठीक है ना, उसको समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आंसर इज थर्ड वन। देखो अगर 17 से कम है, देखो नियर अबाउट 15-16 पे फिर भी इको करेगा, अगर बिलो 10 मीटर है तो वहां पर वो इको नहीं करेगा, क्योंकि तो वो आपके इतना नजदीक होगा ना कि वहां पर उसको प्रॉपर टाइम नहीं मिलेगा। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, जैसे यहाँ पर कोई भी सपोज एक्टर खड़ा है, ठीक है, और ये आवाज लगा रहा है यहाँ से, और ये क्या है, इन्होंने आवाज दी और ऐसे करके आ गई, तो पहाड़ों से ना वो आवाज इस तरीके से आती है, ठीक है ना, पहाड़ों से वो आवाज इस तरीके से आती है, तो कर नहीं सकते ना इसको, तो इसके लिए मिनिमम डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, इतना अच्छा क्वेश्चन है सर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए। देखो अगर आप लोग कोई भी कोर्स परचेज करना चाह रहे हैं तो मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आपको कौशल कूपन कोड जरूर यूज करना है, ठीक है ना, कौशल कूपन कोड आपको जरूर यूज करना है भाई,
ठीक है ना। हाँ भाई क्लियर है ना। चलो बताओ, देखो यहां पर सबसे बात, पहली बात आपसे क्या बोली जा रही है, आपसे ये कह रहे हैं, आपसे ये यहां पर एक बात ये कह रहा है कि अगर द थ्री ब्लॉक्स 3 to 1 kg आर रेस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड इन द कॉन्टेक्ट ईच अदर विद ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस एट शोन इन फिगर, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 80 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द 3 kg ब्लॉक, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द 2 kg ब्लॉक, 2 kg ऑफ ब्लॉक। ठीक है, अब देखो 2 kg ब्लॉक का बात समझिए आप यहाँ पे कि यार ये जो 80 न्यूटन है वो किस पे लग रहा है, वो इन तीनों पे लग रहा है, 80 न्यूटन इन तीनों को लेकर के जा रहा है। मैंने बोला यहाँ पर एक मैं फोर्स लगा रहा हूँ भाई, मैंने अपनी तरफ से यहाँ पर एक कोई फोर्स लगा दिया, सपोज दिस इज एफ डैश, ये इन दोनों पे लग रहा है 2 और 1 पे, और यहाँ पर मैंने एक फोर्स लगा दिया दिस इज एफ डबल डैश, ये हमारा 1 kg पे लग रहा है। तो इस तरीके से हमने ना यहाँ पर तीन फोर्स यहाँ पर लगा दिए। तो देखो पहले वाला जो 18 लग रहा है वो तीनों पे लग रहा है, 18 किस किस पे लग रहा है, 3 + 2 + 1 * a, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि तो f इक्वल्स टू था ma। ठीक है, सो व्हाट इज एक्सेलरेशन राइट नाउ, सो दिस a इज इक्वल्स टू 18 डिवाइडेड बाय ऑफ 6, सो योर आंसर विल बी 3 m/s ऑफ स्क्वायर, सो दिस इज योर एक्सेलरेशन। तो f डैश की वैल्यू अगर मैं यहां से देखूंगा, देखो f डैश किस किस पे लग रहा है भाई, f डैश लग रहा है 2 और 1 पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 + 1, एक्सेलरेशन हमारा कितना हो जाएगा 3, एफ डैश की वैल्यू हमारी हो गई 3 * 9 न्यूटन। ठीक है, अगर मैं एफ डबल डैश अगर हमसे पूछेगा, एफ डबल डैश लग रहा है सिर्फ 1 वाले पे, तो 1 * 3 क्योंकि एफ इज इक्वल टू 10, तो दिस इज 3 न्यूटन। अगर आपसे पूछेगा कि 1 पर कितना लगेगा तो 3 न्यूटन, और 2 पर कितना लगेगा तो योर आंसर विल बी 9 न्यूटन, और तीनों पर कितना लगेगा तो योर आंसर विल बी 18 न्यूटन। तो आपसे यहां पर कहां पूछा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स 18 अप्लाइड ऑन दिस, फाइंड द नेट फोर्स ऑन द 2 kg ब्लॉक, तो 2 kg ब्लॉक पर कितना है 9 न्यूटन, 9 न्यूटन का ऑप्शन ऑप्शन थर्ड, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट। जल्दी से बताओ ये ट्रिक आपको कैसी लगी यहाँ, अगर इस तरीके के सवाल अगर आपको दिखते हैं तो आप ऐसे सवालों को कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको सिंपल ही समझना है एफ इज इक्वल्स टू एम ए ही आपको यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 5 करा है आपसे, दो स्टेटमेंट है, वर्क डन इन मूविंग बॉडी ओवर ए क्लोज लूप इज 0 फॉर एवरी फोर्स इन नेचर, यानी कि आपसे कह रहा है कि अगर मैं कोई भी फोर्स लगा रहा हूं और क्लोज लूप है, कोई भी फोर्स लगा रहा हूं और क्लोज लूप है, तो हमारा जो वर्क डन है वो 0 होगा एनी टाइप ऑफ फोर्स, ये आप यहां पर लिख सकते हो, ये आपसे कह रहे हैं यहां पर एनी टाइप ऑफ फोर्स, यानी कि किसी भी तरह का फोर्स है, किसी भी तरीके का फोर्स है वो मैटर नहीं करता, बस ये है कि फोर्स है तो वहां पर वर्क डन 0 होगा। दूसरा ये कह रहे हैं वर्क डन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फोर्स, यानी वर्क डन जो होता है वो इस चीज पर डिपेंड नहीं करता है, लेकिन यार डिपेंड करता है, वर्क डन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फोर्स। ठीक है ना, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फोर्स, ठीक है ना, तो वो फोर्स की नेचर पर डिपेंड करता है, क्योंकि फोर्स की नेचर दो तरीके की होती है हमारी, एक होती है हमारी कंजर्वेटिव, ठीक है ना, एक होती है हमारी कंजर्वेटिव, एक होती है हमारी नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है ना, एक होती है कंजर्वेटिव और दूसरी वाली क्या होती है नॉन कंजर्वेटिव। तो कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव दो तरीके का फोर्स होता है, और वर्क डन जो है ना वो इन सब चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है ना, स्टेटमेंट 1 is true, 2 is true, बोथ स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है ना, तो दोनों ही स्टेटमेंट नॉट डिपेंड, सॉरी 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 नॉट डिपेंड कह रहा है ना, हाँ भाई नॉट डिपेंड कह रहा है ना, हाँ नॉट डिपेंड कह रहा है ना, तो पहले वाला ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि नॉट नहीं दिखा था ना, नॉट कह रहा है, तो सेकंड वाला गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 40 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु जो 6 m/s के वेग के साथ में चलती है, वस्तु के पास गतिज ऊर्जा क्या है, यानी कि एक बात बताओ, अगर कोई वस्तु 40 किलोग्राम मास है उसका और 6 m/s के हिसाब से चल रही है,
तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, दिस इज हाफ एम बी स्क्वायर, दिस इज हाफ एम बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा भाई, सो दिस के इज इक्वल्स टू दिस इज 40 इंटू एम बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, तो देखो ये कितना हो जाएगा 20, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, दूनी 72, 720 जूल, ठीक है ना, 720 जूल, ऑप्शन थर्ड जो है वो हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 7, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, नो डाउट, ठीक है, आपसे कह रहा है कि समकक्ष प्रतिरोध आपको इस पूरे सर्किट में बताना है, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। देखो यार एक चीज समझो, अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि दो रेजिस्टेंस इस तरीके से हैं, दो रेजिस्टेंस इस तरीके से हैं और ये दोनों सीरीज में है, मैंने बोल दिया भाई ये आर वन है और ये हमारा आर टू सीरीज में है, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए और इस पॉइंट को मैंने बोल दिया बी, तो जो हमारा आर ए बी होगा इट विल बी आर वन प्लस आर, ठीक है। लेकिन अगर हमने बोला कि दोनों रेजिस्टेंसेज हैं और दोनों रेजिस्टेंसेज हमारे क्या हैं, पैरेलल में हैं, आर वन प्लस आर टू एंड दिस वन इज ए एंड दिस वन इज बी, तो यहां पर आर ए बी कितना हो जाएगा, सो दिस इज वन अपॉन ऑफ आर ए बी दैट इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन ऑफ आर, यानी ये हमारा क्या है पैरेलल। तो आप यहां पर देख रहे हो ना, पहले ये जो है हमारे दो और चार ये पैरेलल में है, फिर ये दो और चार दोनों पैरेलल में, फिर ये दोनों सीरीज में है, तो देखो दो और चार पैरेलल में होने का मतलब ये है कि एक बटा दो प्लस एक बटा चार, ये हमारा कितना आ जाएगा चार, दो दूनी चार, चार एकन चार, तो हमारा यहां से आर डैश मैंने मान लिया तो ये कितना हो जाएगा चार बटा तीन हो जाएगा, ठीक है, पलट दिया ना, वन अपॉन आर डैश की वैल्यू ये आ गई। सेम ही हमारा दूसरा है, अगर मैं इसको आर डबल डैश मान लो उतना ही आर डबल डैश, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फाइनली आर हमारा आ जाएगा आर डैश प्लस आर डबल डैश, तो दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा 8/3 आ जाएगा, ऑप्शन पहले वाला जो है वो हमारा करेक्ट, क्लियर है ना बात। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्पीड ऑफ साउंड इज मोर ए हॉट समर यानी हॉट समर डे देन ए कोल्ड विंटर डे, यानी स्पीड ऑफ साउंड, देखो अभी हम देख रहे थे कि v इज इक्वल्स टू दिस इज गामा आर टी अपॉन में, यानी कि टेम्परेचर जितना ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड उतनी ही ज्यादा, तो टेम्परेचर हॉट समर में स्पीड ऑफ साउंड जो वो ज्यादा होगी, बिल्कुल सही बात है, तो पहला एसर्शन जो है वो इसका सही है, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा स्पीड ऑफ साउंड उतनी ही ज्यादा होगी। अब रीजन कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ हॉट एयर इज लेस एज द डेंसिटी ऑफ कोल्ड एयर, ये गलत है, वैसे भी जो डेंसिटी होती है ना वो हॉट वाले की ज्यादा होती है कोल्ड से, ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि वो सॉलिड होता है, ये क्या होता है सॉलिड मॉलिक्यूल्स की तरह सॉलिड स्फीयर की तरह बिहेवियर करता है, तो रीजन जो है इसका गलत है, तो ए सही है लेकिन रीजन गलत है, ए ट्रू है बट रीजन इज नॉट ट्रू, तो ऑप्शन थर्ड, समझ रहे हो। अभी मैंने आपको बताया था ना कि v इज इक्वल्स टू गामा आर टी अपॉन, इससे क्वेश्चन सर आता ही आता है आपके एग्जाम में, इस फॉर्मूला को तो आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द करेक्ट अबाउट इट, तो आप सभी को पता है अगर ये पॉइंट हमारा a है और ये पॉइंट हमारा b है, तो दिस इज डिस्टेंस एंड दिस इज डिस्प्लेसमेंट, तो जो हमारा कर्व पाथ है वो हमारा क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना, और ये जो स्ट्रेट पाथ है वो हमारा क्या होता है ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, और जो हमारा कर्व्ड पाथ है वो हमारा क्या है डिस्टेंस, ठीक है ना। तो आपको एक चीज यहां से देख रही है ना कि डिस्टेंस जो होता है मेरे भाई, डिस्टेंस जो होता है ना वो हमेशा ग्रेटर देन होता है डिस्प्लेसमेंट से, हमेशा बड़ा होता है, नो डाउट। लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है ना कि जो पाथ हमारा सीधा है वही एक्चुअल भी हो सकता है, तो बराबर भी होता है, लेकिन ये स्केलर है, ये स्केलर क्वांटिटी और ये वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर को वेक्टर के सामने डायरेक्टली नहीं रखते जब तक हम मॉड ना लगा दें, हालांकि यहाँ पर मॉड नहीं दिया है, तो आपका आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर पहले वाला ज्यादा सही होगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर देन, क्योंकि इतना भी बड़ा नहीं होगा कि फार फार ग्रेटर देन इक्वल ग्रेटर देन, तो दो बार नहीं आएगा सिंगल टाइम आएगा, तो ऑप्शन आपका पहले वाला ही करेक्ट माना जाएगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, आपसे कह रहे हैं द साउंड क्रिएटेड इन बिग हॉल द परसिस्ट बिकॉज ऑफ
द रिपीटेड रिफ्लेक्शंस द फिनोमेना इज कॉल्ड। भाई आपसे बोल रहे थे ना हम कि जैसे अगर कोई रूम है, यहाँ पर कोई बोल रहा है ऐसे करके, तो आवाज जाती है फिर लौट के आती, फिर जाती है फिर लौट के आती है। तो इसमें साउंड का जो बार बार रिपीटेशन जो होता है, साउंड का जो इसमें क्या हो रहा है, साउंड का जो रिपीटेशन जो इसमें होता है, साउंड का जो यहाँ पर रिपीटेशन जो हो रहा है वो हमारा क्या होता है, दिस इज रीवाइब्रेशन, दिस इज डिस्पर्जन, दिस इज रिफ्रैक्शन एंड दिस इज डिफ्रैक्शन। तो इस घटना को हम क्या कहेंगे बताओ, तो इसको बोलते हैं हम लोग रीवाइब्रेशन। और इसी का एक एग्जाम्पल होता है हमारा ईगो, इसी का हमारा एग्जाम्पल होता है भाई ईगो, ठीक है ना, ईगो। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिध्वनि जो होता है ना, वो इसी का एक टाइप, ठीक है। तो इस तरह के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको प्रॉपरली अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है भाई। देखो क्लास डेली सुबह 9 बजे आपकी यहाँ पर आती है मेरे साथ, इसको आप क्लास को देख सकते हैं। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए ना आपको कौशल कूपन कोड को यूज करना है, KAUSH, ठीक है भाई। थैंक यू सो मच, अभी मैं 2-3 दिन ऐसी ही क्लास आपको देता रहूंगा, ठीक है। आई थिंक सो आप किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।